टाइप्स के अपने हम रिकॉल कर लेते हैं अपने पार्ट वन और पार्ट टू में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और क्यों होते हैं और पूरी वर्ल्ड में बॉन्ड्स का क्या काम है, एटम्स का क्या काम है। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, ट्रांसफ़र से बनते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़े थे जिनमें हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड और सेकंड हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। हमने उसकी दो अदद एग्जांपल्स पढ़ी थी, सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और सेकेंडली हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड की फिर हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हमने इनकी नोटेशन पढ़ी थी कि किस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं, हमने इनकी अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ी थी और साथ साथ मैंने आप लोगों की लर्निंग भी दी थी कि आप लोग वीडियो पॉज करके तो साथ साथ उसकी लर्निंग भी कीजिए, उसको रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप उसको अब याद करें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब ने याद किया होगा और आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर्स के साथ। आप लोगों को याद करना है घर पे बैठ के, नाइन क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसको कल पे छोड़ दें, तो जिस दिन जो काम हो रहा है उसको आपने करना लाजमी है। ठीक है, अच्छा अब हमारा आज का टॉपिक है वो लिंक्ड है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की हमने जो तीन टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीन टाइप्स हमारे पास किसकी बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उसकी बेसिस पे हमने टाइप्स कर दी। अगर तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स देख रहे होते, किसी में सिंगल बॉन्ड होता, किसी में दो लाइनें होती, किसी में तीन बॉन्ड्स होते, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उन सब के लिए, उन सबको देख के। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्लास बना दी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ बॉन्ड्स हमने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक बॉन्ड होगा तो सिंगल, दो होंगे तो डबल और तीन होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की एक और टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, उसकी बेसिस पे एक हमारे पास टाइप होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसका काम क्या है और ये किस तरह से फॉर्म होता है, ये सब हम इस वीडियो में इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है नॉन म्यूचुअल शेयरिंग, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। म्यूचुअल हमने वर्ड पढ़ा था। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बराबर, एक सा, एक साथ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब था, कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा था तो वो दोनों एटम्स के लिए बराबर था। जैसे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में पढ़ा था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट जब वो शेयर करते हैं H2 बनाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, दोनों के ऑर्बिट में अब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है एक के पास, अब उन्होंने शेयरिंग कर ली। जो एक इस वाले का था वो इसका भी है, जो इसका था वो इसका भी है। ये हो गए म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया है इन्होंने, इसको कहते हैं ताउन किया है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है और एक दूसरे की हेल्प की है। नॉन म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि शेयरिंग तो होगी, शेयरिंग होती क्या है, हम किसी को अपनी कोई चीज़ दे देते हैं कि ठीक है आप ये ले लें, इसको शेयर कर, मेरे साथ शेयर कर लिए, मेरी भी है बट ये आप ही ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास दो पेंसिल्स हैं, एक तो मैं रख लूँगी, किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं उसको वो पेंसिल दे दूँगी, अभी भी वो मेरी ही है लेकिन वो मैंने किसी और को दे दी, एक तरह से मैंने शेयरिंग की है। बट शेयरिंग इस तरह नहीं कि अगर मेरे पास एक ही पेंसिल होती, मैं उसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं लिखती, एक मिनट के लिए कोई और लिखता, फिर एक मिनट के लिए मैं लिखती, एक मिनट के लिए कोई और लिखता, तो वो होती म्यूचुअल शेयरिंग। और नॉन म्यूचुअल शेयरिंग क्या हुई है, मेरे पास दो पेंसिल्स हैं, मैंने एक खुद रख ली और एक दे दी अपनी फ्रेंड को। ठीक है, तो ये नॉन म्यूचुअल शेयरिंग है। अब बॉन्डिंग में किस तरह से हेल्प करती है,
डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है हमारे पास, उसकी नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये कोई सा भी एटम है, ठीक है, इसके पास ना दो पेयर्स एक्स्ट्रा हैं इलेक्ट्रॉन्स के। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कोई दूसरा एटम है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अच्छा इस वाले के पास जो है वो ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं, तो इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इसको कहेगा कि मुझे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दो, शेयर कर दो मुझसे, मुझे इनकी ज़रूरत है। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके हवाले कर देगा। कोई शेयरिंग नहीं, मतलब कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब इसने ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं वो इसके भी हैं, नहीं अब ऐसा नहीं है, इसने दोनों इसको दे दिए तो अब वो पूरे जो हैं इसके पास आ गए हैं, इसके पास अब नहीं है, हैं इसी के लेकिन इसके पास अब नहीं है, ठीक है। तो ये होती है नॉन म्यूचुअल शेयरिंग, हमारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड लिखा है मैंने डोनर। डोनर क्या होते हैं हमारे पास, जो एटम दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं दूसरे एटम को, ये कहलाता है लोन पेयर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। डोनर कौन होते हैं, जो ये लोन पेयर दे रहे होते हैं। डोनर निकला है डोनेट से, और डोनेट का क्या मतलब होता है, अपनी कोई चीज़ देना किसी को कि दूसरे की हेल्प हो जाए। हम जो पैसे भी देते हैं नीडी पीपल को, तो वो क्या होती है, हमारी डोनेशन होती है हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये डोनेट का मतलब है देना, कि किसी की हेल्प हो जाए। तो ये जो डोनर है और वो जो देने वाला होता है वो डोनर कहलाता है, ठीक है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डोनर हो गया। और एक्सेप्टर कौन होगा, जिसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब ले लेना, ठीक है। तो जिसने दो इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। अच्छा इसको हम, इसकी नोटेशन क्या है, नोटेशन मतलब डिनोट किससे होता है, इसको शो किससे करते हैं। डबल कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे होता था, डबल ऐसे होता था, और ट्रिपल ऐसे होता था। बट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक एरो की फॉर्म में हम शो करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एन एरो, जिसका ये एरो की टेल होती है, ये एरो का हेड होता है, ठीक है। तो जो इसका हेड है वो इस तरह से होता है कि एक्सेप्टर की साइड पे होता है, यानी कि अगर यहाँ पे जो है एक्सेप्टर आएगा और यहाँ पे डोनर आएगा, ठीक है। तो जो हेड होगा वो एक्सेप्टर की साइड पे होगा। एग्जांपल हमारे पास है, सबसे पहली है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हम एग्जांपल पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह की जो कंपाउंड्स हैं जो मिल के अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास है अमोनिया, सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, HCl, ठीक है। तो अमोनिया का फार्मूला है NH3 एंड हाइड्रोक्लोराइड का फार्मूला है HCl, ठीक है। तो अमोनिया जो है हमारे पास ये एक केमिकल है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारे पास एक केमिकल है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है नॉर्मली। उस गैस को पानी के अंदर डाल के उसका एसिड बनाया जाता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, मैंने वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया, मुझे क्या करना, मुझे अमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, बनाना है। मैंने एक जो है अपना बीकर लिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, और उसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने अमोनिया डाल दिया और फिर अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, HCl डालूँगी, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर HCl को डाला तो HCl क्या करेगा, HCl जो वाटर के जो आयंस होंगे, वाटर के अंदर कौन कौन से आयंस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो HCl का जो H होगा उसको ले लेंगे, उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। क्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लोरीन के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेचारे हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो क्या करेगा क्लोरीन, जब ये अपने आयंस में टूटने लगेंगे वाटर के अंदर जाके, आपको मैंने ये बात पहले बताई थी कि जो कोई भी अगर कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट करता है अपने आइंस में, ठीक है। वाटर अपने अंदर चीज़ों को डिसोसिएट करता है। जब भी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं,
ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों को डिसोसिएट करेगा, तो जो क्लोरीन होगा वो जब इससे अलग होने लगेगा, इनके दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब ये इनसे इससे अलग होने लगेगा तो ये क्या करेगा, इसका ये जो वाहिद इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि एक चीज़ बड़ी, एक बड़े साइज़ की चीज़ है और एक छोटे साइज़ की चीज़ है, तो अगर कोई बड़े, अगर कोई एज में कोई लंबा बच्चा है और अगर कोई छोटा बच्चा है, तो वो अगर बीच में रोप खींचेंगे तो बड़ा बच्चा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा रोप को। इसी तरीके से ये क्लोरीन आइटम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन बेचारा गरीब हो जाएगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जब कोई ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खुद नहीं देगा क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ी देगा, उसको तो अपने साथ शेयरिंग करनी थी क्लोरीन की, इन दोनों के दरमियान तो बॉन्ड बना हुआ था, बट क्लोरीन ने क्या की, चालाकी की और उसने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्लोरीन के ऊपर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब ये जो मैं बना रही हूँ, ये इसका मतलब होता है पार्शियल, ठीक है, यहाँ स्लाइडली ये एस है एक्चुअली, बट ये लैटिन लैंग्वेज में इसका ये सिंबल है, ठीक है, तो ये स्लाइटली का सिंबल है, एस बना के आपने इसको यू कर्व कर देना है, ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल या कहते हैं स्लाइटली, ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर अब ये हैं क्या, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड आयंस नहीं बनाते, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट हम 8th क्लास से ले तो ये आगे जाके और पढ़ेंगे क्योंकि उनका ये पूरा चैप्टर है, 9th क्लास का रिड्यूस टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर फिर भी आयोनिक करेक्टर होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो अगर उनको हम वाटर या किसी सॉल्यूशन उनका अगर हम बनाते हैं ना, तो उनमें स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब वो स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, पार्शियल मतलब आधा, ठीक है, मतलब पूरा नहीं होता, कम्प्लीटली तौर पर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं बनाते, स्लाइटली उनके ऊपर या पार्शियली उनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस आ जाते हैं, तो वो स्लाइटली आयोनिक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़ा थोड़ा उन पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इनके ऊपर स्लाइटली चार्जेस आ गए, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अब इस बीकर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्लोरीन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसके लिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो ज़ीरो की फॉर्म में, यानी कि इसके पास बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके ऊपर मैं प्लस ये बना देती हूँ, ज़ीरो मैं हटा देती हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है जो कि नेगेटिव है, और दूसरा अमोनिया इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, अब हाइड्रोजन बेचारा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब वो क्या करेगा, अब ये बेचारा हाइड्रोजन इस अमोनिया के पास जाएगा और कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने तो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन्स मांग लिए, अब हम अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कि क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं भी या नहीं देने के लिए। तो ये देखें, ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया होता क्या है, NH3 होता है, ठीक है। तो NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास होती है 5, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं अरेंज कर दूँ तो 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 5, ठीक है। ये जो दो हैं ये इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर मौजूद हैं, ठीक है, ये इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर मौजूद हैं, ठीक है, थीके? अच्छा, और लोन पेयर क्या होते हैं, लोन का मतलब क्या होता है, अकेला, तो और पेयर मतलब दो, तो लोन पेयर का मतलब ये है कि एक ऐसा पेयर है जो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, अकेला ही है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया एक नाइट्रोजन के साथ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो 3 एच तो फॉर्म हो गए, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन इन अ फॉर्म ऑफ किसके रह गए, इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर बच गए, ठीक है। तो अब ये जो लोन पेयर है, हाइड्रोजन तो कहेगा कि तुम्हारे पास लोन पेयर है तो मुझे क्या करो, ये लोन पेयर दे दो। तो वो लोन पेयर अब ये जो इसको देगा, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 87 खोल लीजिए, ऊपर आपकी डायग्राम है, वही मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर है। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ने ले लिया है, ये वाला ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, ये क्लोरीन ने ले लिया और बेचारा हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव होके अलग हो गया है, ठीक है। अब ये इससे दोस्ती कर रहा है और इसको बोल रहा है कि मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये देने वाला है इसलिए डोनर कहलाया, ये एक्सेप्टर है ये लेने वाला है, ये एक्सेप्टर कहलाया। बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा,
ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, इसने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ नहीं दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे बॉन्ड दिखाना है। तो ये मैंने कहा था कि जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से हम डिनोट करते हैं, एक एरो की तरह से, ठीक है। तो डोनर टेल जो है वो डोनर की साइड पे आती है, देखिए इसकी टेल है, ये डोनर की साइड पे है। और एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो हाइड्रोजन की साइड पे जो है इसकी टेल है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हमारे पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किससे रिएक्ट किया है? उसके बाद क्या बचा था हमारे पास? क्लोरीन बचा था, ठीक है। Cl हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड क्लोरीन हमारे पास बचा था, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर क्या क्या आ गया, मैं बीकर दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। इसके अंदर ये NH4 बन गया है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन? 1, 2, 3 and 4, ठीक है। ये कितने हाइड्रोजन हो गए इसके पास? 4। तो ये NH4 हो गया। और इसके पास चार्ज क्या है? प्लस है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस है ये। और Cl बाकी क्या बचा? ये वाला Cl, ठीक है। ये इस Cl के ऊपर क्या है? माइनस है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर ये चीज़ फॉर्म हो गई है, ठीक है। एक तो ये फॉर्म हो गया और दूसरा प्लस एक ये Cl है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से, दैट इज़ ये NH4 प्लस Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड हमारी एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है H3O। ये किससे बनता है? वाटर से बनता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर एडिशन होती है एक हाइड्रोजन की। जब हमने वाटर को डिसोसिएट किया इसके अपने आइंस के अंदर, H+ एंड OH-, ये वाटर के आइंस होते हैं। तो इसका ये जो हाइड्रोजन है इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ज़ीरो पे है। तो हाइड्रोनियम आइन किस तरह से फॉर्म होगा? जब ये दो हाइड्रोजन्स कंबाइन होंगे एक OH के साथ। तो ये कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, और एक ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी? हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से पेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। H2O हमारे पास है। H2O में ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है? 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, एक ये वाला लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजन जो वाटर के अंदर है ये क्या कहेगा? इसकी तो ज़ीरो पे है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इस वाटर को कहेगा कि मुझे अपना एक लोन पेयर दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो एक पेयर ये इससे ले लेगा। अब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो इस तरह से फॉर्म होगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसके ये 2 हाइड्रोजन है, ये वाटर का फॉर्मूला है। और एक लोन पेयर ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और ये एक लोन पेयर जो कि एक्स्ट्रा है, ये यूज़ नहीं हुआ रिएक्शन के अंदर, और ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। इसकी लर्निंग किस तरह से करनी है? आपने जो 2 पहले बॉन्ड्स पढ़े हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी लर्निंग आप लोगों ने कर ली होगी साथ के साथ। और अब ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की लर्निंग है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने इससे हाईलाइट की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। फिर आपने हेडिंग डालनी है डोनर की, और आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर आपने हेडिंग डालनी है एक्सेप्टर की, इस तरह से डालना है। ये लॉन्ग में ही आ रहा होता है, यूजुअली लॉन्ग में ही आ रहा होता है, बट इसको आपने शॉर्ट के लिए भी अगर प्रिपेयर करना है तो शॉर्ट में ये सिर्फ डेफिनेशन आएगी। और आपने एग्जांपल इसकी जो अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोनियम आयन लिखनी है, वो आपने शॉर्ट करके लिखनी है, ठीक है, जितनी आपसे शॉर्ट हो सके। और फिर अच्छा, या फिर आपने एक्सेप्टर की हेडिंग डाल के एक्सेप्टर की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने नोटेशन की हेडिंग डालनी है। नोटेशन हम हेडिंग डाल के शो करते हैं कि पॉइंट को हम डिनोट किस तरह से करते हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ से, एन एरो इस कॉमनली से लेके एक्सेप्टेड एटम तक। फिर आपने लोन पेयर की हेडिंग डालनी है। लोन पेयर क्या होता है उसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है, कि आपने पूरा लॉन्ग इस तरह से बनाना है पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। फिर इसकी एग्जांपल नंबर 1 है। अगर
एग्जाम्पल मेंशन होगी कि इसकी फॉर्मेशन दिखाएं, वो कह सकते हैं बोर्ड वाले कि अमोनियम क्लोराइड की दिखाएं या हाइड्रोनियम आयन की दिखाएं, तो आपको वही करनी होगी जो वो कहेंगे. अगर मेंशन ना होगा, मेंशन नहीं होगा, तो फिर आप लोगों ने कोई सी भी अपनी मर्जी से कर लेनी है. तो पहली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़, और ये डायग्राम है. और फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इतना आपने काट देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये इसकी डायग्राम है. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह.